नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। कामा के जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते लोग इन दिनों पीने के पानी को तरस रहे हैं। गर्मी के शुरू हो जाने के बाद भी सप्ताह में एक दिन पेयजल सप्लाई होने के कारण पूरे कस्बे में पीने के पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पीने के लिए पानी नहीं मिलने से त्रस्त जनता का आज धैर्य भी जवाब दे गया। आक्रोशित सैकड़ों लोग आज जलदाय विभाग पहुंच गए, लेकिन मौके पर सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता सहित सभी कर्मचारी नदारद मिले, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया और उन्होंने कार्यालय पर ताला लगाकर सड़क पर जाम लगा दिया। अभी क्या गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो क्या टैंकर चलवा जाएंगे, जहाँ भी कोई ऐसी समस्या आएगी, ये लाइट का फॉल्ट रहता है या कुछ रहता है। और दूसरा क्या है कि 8 बोरिंग सेंक्शन कराए हैं मेरे साहब ने और राइजिंग पाइपलाइन है, तो उनका जो काम है वो प्रक्रियाधीन है और ये काम होने के उपरांत जल सप्लाई वो सुचारू हो जाएगी। नहीं, पाइपलाइन डालने में टाइम लगेगा और टैंकरों से सप्लाई होगी नहीं, जो पहली व्यवस्था है उसका क्या हो रहा है? पहली व्यवस्था वो सुचारू चल रही है, जो ट्यूबवेल है और जो ड्राई हो चुके उनके अगेंस्ट में हमने ट्यूबवेल पर पोल्ट कर दिए। पानी नहीं आ रहा है, 8-8 दिन में लोगों को पानी मिल रहा है, जिसको लेकर के जनता में बहुत ज्यादा रोष है। जनता अब ये निर्णायक लड़ाई लड़ना चाहती है कि कामा की जनता को पानी मिले, इसको लेकर के लोग आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। ये जनता का आक्रोश है, यहाँ के कर्मचारी बिल्कुल भी जनता को पानी पिलाने में नाकाम हो रहे हैं, इससे जनता में दिन प्रतिदिन रोष बढ़ता जा रहा है। नहीं, आप लोकसभा चुनावों में सड़क के लेकर जो बहिष्कार कर रहे हैं कि पानी को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, हम हर मुद्दे पर जनता के पास में मताधिकार का ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जिसको लेकर के जनता सरकार और यहाँ के कर्मचारियों को झुका सकती है। अगर ये डिसीजन भी लेना पड़ा तो कामा की जनता ये डिसीजन लेने में भी नहीं चुकेगी। कामा के अंदर जो पानी की समस्या है, अधिकारी जो लोग हैं यहाँ से भाग जाते हैं, रात को अपने गांव चले जाते हैं, क्योंकि लोकल अधिकारी लगे हुए और यहाँ से 20 साल से ये समस्या बनी हुई है पानी की। सरकार आई बदली, अधिकारी आए बदले, लेकिन यहाँ की कामा की मतलब जो समस्या है पानी की, उस पर किसी ने राजनेता ने कोई ध्यान नहीं दिया। और हम इस चैनल के माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि या तो कामा की समस्या को निराकरण करें पानी का, वरना चुनाव में मतलब कांग्रेस का बहिष्कार किया जाएगा।